सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने नामांकन किया, जिसमें भाजपा के बागी नेता सुशील देवी पुत्र श्याम सुंदर अग्रहरी ने निर्दलीय नामांकन किया। नगर पंचायत भारत भारी से साजिद खातून पत्नी अजीजुल्लाह डब्ल्यू ने बीएसपी से अध्यक्ष पद के लिए, नगर पंचायत भारत भारी से बीएसपी से टिकट ना मिलने पर कैलाश पति पुत्र विजय यादव ने निर्दलीय नामांकन किया। नगर पंचायत बढ़नी चाफा से अजय वर्मा ने बीएसपी से नामांकन किया। जिन नेताओं को पार्टी से टिकट मिला उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे की गिनती नहीं, हर मुद्दे हैं। नामांकन हमने किया है, जीत के लिए किया है, हम जीत के आएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे। रोड हो गया, नाली हो गया, खड़ंजा जो भी है, गलियों गलियों में लाइट नहीं है, रोडों पे लाइट नहीं है, पर हाल पड़ा है, स्कूल भी वैसे हैं, शिक्षा भी नहीं सही है, स्वास्थ्य का तो आप जानते हैं उसका भी बहुत बुरा हाल है, देवा में एक हॉस्पिटल है तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। दावेदारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, आपका टिकट कट गया है, आप नामांकन करने आए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे बहन जी का पूरा आश्वासन मिला है, हरी झंडी मिला है, मैं आया हूँ, पर्चा दाखिला हो गया है मेरे पिता के राम शंकर यादव जी के नाम से, और मुझे बिल्कुल अभी इंतजार है। 3 बजे से पहले मुझे कहा गया है कि आप सबमिट हो जाएगा, वहाँ से फैक्स किया जाएगा, और नहीं अगर ऐसा होता है फिर भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस अतीक अहमद के कार्यालय पर पहुंची है। चकिया ऑफिस में जगह जगह पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। खून किसका है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस मौके पर मौजूद है, वहां से एक चाकू भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज युवक विद्युत टावर पर चढ़ा। युवक का आरोप था कि पुलिस ने उस पर फर्जी मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाने जाने पर उसे भगा दिया गया। कोदियारा थाना क्षेत्र के खीरी गांव निवासी युवक मोनू शुक्ला पुत्र कृपाकांत सोमवार को बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया, इससे हड़कंप मच गया। उसका आरोप था कि उसे मारपीट के मामले में फंसाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे किसी तरह समझा बुझा कर नीचे उतार लिया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक जमीन विवाद में एनसीआर दर्ज कराया गया था। हो जाती है यार। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति में सोमवार से सरपंच संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सरपंच संघ सांगोद ने पंचायत समिति सांगोद में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया एवं सरपंचों ने राहत कैंपों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसी भी ग्राम पंचायत में राहत केंद्र नहीं ही होने दी जाएगी, ऐसी धमकियां भी दी, जिसमें सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेश मेहता, महावीर सिंह खरकान खेड़ी, प्रेम गोचर, विनोद हिंदी सरपंच, लक्ष्मी नारायण नागर, बॉलीवुड सरपंच महावीर सहित अन्य जन उपस्थित रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, 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 हमारे मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के अंतर्गत कुंदनपुर पंचायत में महंगाई राहत शिविर व प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन श्रीराम स्टेडियम में हुआ, जिसमें विधायक भरत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ममता तिवाड़ी, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह, खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, तहसीलदार जगदीश शर्मा, सरपंच मीना देवी, ब्लॉक अध्यक्ष पूजा सिंह, कुशलपाल सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान के झालावाड़ में कैंप मीडिया प्रभारी लियाकत अली ने बताया, कैंप के मुख्य अतिथि कैलाश मीणा जी रहे,
30 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने भाग लिया। कैंप में किए गए कार्य इस प्रकार हैं: गैस सिलेंडर के रजिस्ट्रेशन किए गए, 106 सीएम निशुल्क बिजली योजना रजिस्ट्रेशन, 118 अन्नपूर्णा फूड पैकेट के कृषि के रजिस्ट्रेशन, 3 अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लाभ के लिए, 229 सीएम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, 147 कामधेनु बीमा योजना के, 11 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के एवं दुर्घटना बीमा के लिए 244 रजिस्ट्रेशन। मनोहर थाना महंगाई राहत कैंपों में ग्रामीणों को आमजन को राहत दिलाने के लिए की गई। प्यारे भाइयों, आज का ये अति महत्वपूर्ण दिन जिसमें राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने हमारे बीच में बता रहे हैं और आपके कर कमलों से आज इन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। सपा से बागी हुए नेता पर भाजपा ने खेला दाव। फिरोजाबाद पूर्व में समाजवादी खेमे के कट्टर नेता हुआ करते थे देश दीपक यादव, अब कमल के साथ मिलकर वार्ड नंबर 40 से टिकट लेकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आपका स्वागत है। एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और फिरोजाबाद में सियासी घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। आज इसी तौर पर एक शेर, मतलब एक पुराना जो शेर है, इन्हीं पहले अक्सर समाजवादी पार्टी के खेमे में हुआ करता था वो शेर, और अब भाजपा में आ पहुंचा है नाम देश दीपक यादव, पुराना चेहरा। जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे और क्या जनता के लिए क्या किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली पार्टी में। सर, आपको तो पूरी जनता जानती है हमारे में, तो क्या और नया रहेगा, क्योंकि पुराना तो सारा कुछ हो चुका है। नया अब यह है कि शहर में सबसे पहले मैं अपने वार्ड को गड्ढा मुक्त घोषित करूँ। एक साल के अंदर गड्ढा मुक्त वार्ड का वायदा है। भारतीय जनता पार्टी में जा चुका हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी का ये सपना था कि हमारा प्रति गड्ढा मुक्त वार्ड हो। शुरुआत में हुई वार्ड से कुछ साल पहले भी, अगर मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले आप समाजवादी पार्टी से पार्षद थे। अब आपको टिकट भाजपा से मिली है, तो क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? मैं इसका तीखा ही जवाब दूंगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को चापलूसों की आदत पड़ चुकी है, संघर्षशील व्यक्तियों की वहाँ कोई अब जरूरत नहीं रही। मैं संघर्ष करता था और आपने मुझे सब कवरेज भी दिया। आप वहाँ देखते थे, आप हम लोगों की हमारे संघर्ष की हमने 5 मुकदमे ऊपर लगवा लिए। समाजवादी पार्टी काम करते हुए मेयर साहब के और नगर निगम के काले करतूतों का मुजार करते थे, तो मुकदमे भी लगे। लेकिन वहाँ ये हुआ, भाजपा से आए हुए प्रेमचंद संगवार को मुझे हटाकर सपा पार्षद का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। वो आए, हमने अपने नेताओं से शिकायत की कि ऐसे आदमी बना दो, उन्होंने संघर्ष करता लगे पार्टी के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने, मतलब वो जो प्रेमचंद संगवार थे उनको, उन्होंने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं किया। हमने एक साल से शिकायत करते रहे अपने नेताओं, किसी ने सुनी नहीं, तो हम स्वामी पार्टी के पार्षद में अपनी सारी पार्टी छोड़ी। तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा, क्योंकि कल तक आप भाजपा के खिलाफ थे और आज आप भाजपा के साथ हैं, तो क्या लगता है भाजपा का मेयर बनेगा तय? क्योंकि इधर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि फिरोजाबाद से मेयर उसका होगा। मैं भाजपा के खिलाफ कभी नहीं रहा। मैं केवल वहाँ नगर निगम में जो कमीशन थोड़ी अधिकारी कर रहे थे वो चल रही थी, मैंने हमेशा उसकी खिलाफत की। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी तो कोई होती नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस नीति को लेकर काम करती है। मैं नगर निगम की जिम्मेदारी थी तो नगर निगम के काले कारनामों को उजागर करता था। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि आदमों में भी और मुसलमानों में भी भाजपा का ध्यान बढ़ता है। अभी रिसेंटली एक किस्सा है कि उज्जवल गुप्ता के समीप एक उनका जो मकान है उनके आवास के समीप एक नगर पालिका परिषद बलरामपुर मोहल्ला खलवा उत्तरी वार्ड नंबर 12 से सभासद प्रत्याशी सत्येंद्र मणि तिवारी उर्फ टिंकू तिवारी का जनता के बीच डोर टू डोर वार्ड वासियों से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव निशान त्रिशूल पर अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए, लोगों के बीच में काफी उत्साह नजर आ रहा है।
बलरामपुर नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राशिद अजीज और रानू कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अपनी घोषणाओं के आधार पर जनता के बीच डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं हाथ का पंजा चुनाव निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अगर वह नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं तो जनता से किए हुए वादे बाघ घोषणा पत्र द्वारा जो भी घोषणा पत्र में वादा लोगों से कर रहे हैं वो सारी सेवाएं तुरंत लागू कराएंगे। बलरामपुर से संवाददाता संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपका जनता के प्रति, विकास के प्रति क्या रुझान है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से जी। 2007 से सक्रिय सदस्य रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। पिछले 7 महीनों से मैं जनता के बीच में घोषणा पत्र के माध्यम से नगर के विभिन्न मुद्दों को लेके, जैसे लेडीज टॉयलेट, ऑनलाइन पोर्टल पे दाखिल खारिज, परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, छोटी छोटी सुविधाएं जो जनता, गरीब जनता से नोचा घसोटा जाता था, जैसे परिवार रजिस्टर के नाम पे हो रही लूट को मैंने कहा मैं ऑनलाइन करके 2 रुपये में निकलवाऊंगा। मैंने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये लगते थे, मैंने कहा मैंने उसको ऑनलाइन पोर्टल पर कर दूंगा, मात्र 2 रुपये में निकलेगा। मैंने दाखिल खारिज का जो स्कैंडल बलरामपुर में बना हुआ है मैंने कहा उसको तोड़ दूंगा, दाखिल खारिज ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, घर बैठे पेपर अपलोड करिए, 40 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाएगा। और सर नगर की साफ सफाई व्यवस्था के बारे में, नगर की आप देख रहे हैं कैसी है? बहुत बुरी स्थिति है, कूड़े पे मैंने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, जिला प्रशासन ने मेरे साथ विजिट किया, उन्होंने आश्वस्त किया कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास है तो बताइए। तो कूड़ा रिसाइकिल का मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, मैंने कंपनी से भी बात कराई, मैंने ऑलमोस्ट बात फाइनल कर रखी है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, चेयरमैन मंत्री, मैं कूड़ा रिसाइकिल करूंगा और जनता को कूड़े से निजात दिलाऊंगा। ये सब जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, रेवड़ी वाले हैं, इन लोगों के बारे में आप अपने नगर क्षेत्र के अंदर क्या सुविधाएँ देना चाहेंगे? देखिए मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि जाम न लगे, तो उसके लिए उनको पर्याप्त जगह दी जाए, उनको सही टाइमिंग दी जाए, टोकन व्यवस्था करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो प्रशासन के साथ अगर पालिका अध्यक्ष बैठ के उसका समाधान निकाले तो काफ़ी हद तक जो छोटे, सबसे छोटे निचले दुकानदार हैं उनका भी निश्चित रूप से उनके रोजी के लिए और उनके चलने के लिए, उनके खड़े होने के लिए कोई एक बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आने वाले जो मतगणना होगी 13 मई को, उसमें कहा है कि सपा और बसपा और कांग्रेस से टाटा भाई भाई हम फुल बहुमत से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, इस पर आपका क्या कहना? देखिए वो बहुत बड़े नेता हैं और बड़ी बड़ी बातें करना उनकी आदत है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, यहाँ बलरामपुर की जनता छोटे मुद्दों, लेडीज टॉयलेट, दरवाजे पे लाइट नहीं जल रही है, कूड़ा समय से नहीं उठ रहा है, ये इसका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अरशद अली को बनाया गया उम्मीदवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बलरामपुर जनपद के रहने वाले अरशद जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अरशद जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रह चुके हैं और बलरामपुर में आम पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। अरशद जी एक ईमानदार, कर्मठ व जुझारू नेता के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दांव खेला है। मोहम्मद अरशद अली, प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष बलरामपुर, आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह झाड़ू। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो संविधान ने हमें राइट दिया है, आप सभी लोगों को मत का अधिकार दिया है, मैं चाहता हूं और निवेदन करता हूं अपनी जनता से कि 5 साल में वो सुनहरा मौका आता है कि आप अपने मत का उपयोग करें, और उपयोग ही नहीं सदउपयोग करें, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम अपने मत का सही इस्तेमाल करें। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं
कि 4 तारीख को आप इतना मोहर लगाइए झाड़ू चुनाव निशान पे और अपने घरों से निकल के आइए और झाड़ू बैलेट पेपर पे इतना मोहर लगाइए कि माननीय केजरीवाल के हाथों को मजबूत कीजिए और एक सच्चे और ईमानदार पार्टी को आप विजयी बनाइए। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने मत का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और अपने मताधिकार का पूरा उपयोग कीजिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।